Yay! Ta-da! सो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही नेक्स्ट लेवल वीडियो एडिटिंग होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और इस टाइप का एडिटिंग आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इन दोनों का इम्पोर्ट करके यहाँ से बिटमार्क प्रोजेक्ट को आप लोग ओपन कर देना है गाइस। ओपन कर देने के बाद ये आप लोग का लगभग 16 सेकेंड का स्टेटस होने वाला है, बहुत ही ऑसम तरीका से मैं एडिटिंग करने वाला हूँ, प्लीज़ गाइस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ पहले से इफेक्ट अच्छा सा ऐड करके रखा है, जो आप लोग कुछ भी नहीं करना, बस आप लोग इमेज को ऐड करना है और तुरंत आप लोग का फोटो स्टार्ट हो जाएगा एडिटिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग में आप लोग एक इमेज का लेयर आप लोग दिख रहा होगा, इस वाला इमेज पर क्लिक करना और जब इधर आप लोग कलर एंड फिल्टर पर क्लिक करना, यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग का गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग फोटो को चूज कर लेना जिस फोटो पर आप लोग वीडियो एडिटिंग करना है, जैसे कि ये वाला वीडियो तो हैप्पी बर्थडे का है, तो आप लोग जो फोटो ऐड करना चाहते हो उस फोटो को ऐड करके और ऊपर में डन कर दोगे तो यहाँ से आप लोग इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि देख सकते हो कितना नेक्स्ट लेवल का वीडियो एडिटिंग मैं करके आप लोगों को सिखाऊंगा इस वाला वीडियो में, तो वीडियो पर आप लोग एंड तक देखिएगा गाइस। तो सो गाइस आप लोग नेक्स्ट इस लेयर पर आप लोग क्लिक करना, फिर से कलर इन फिल्टर पर चले जाना, फिर से यहाँ से आप लोग फोटो को एक और ऐड कर लीजिएगा। तो इसी टाइप से आप एक एक करके सभी पे फोटो को अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। तो सो गाइस जल्दी से मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर दो फोटो मैंने ऐड कर दिया। इधर आप लोग नेक्स्ट आप लोग को स्क्रॉल करना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माई बर्थडे लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना और नीचे में एडिट्स टेक्स्ट पर क्लिक करना, यहाँ से इस वाला फंड को ऐड कर लीजिएगा। फंड का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे आप लोग इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करके ऊपर में डन कर देना। तो यहाँ पर मेरा देख सकते हो यहाँ से फंड मेरा चेंज हो चुका। फिर आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो एक और इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना और नीचे में यहाँ पर कलर इन फिल्टर पर क्लिक करना, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ से आप लोग को फोटो को चेंज कर लेना है, यहाँ से एक और फोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो सो गाइस यहाँ से ऐड कर देने के बाद यहाँ पर इमेज देख सकते हो मेरा पूरा इमेज अच्छे से ऐड हो चुका है, देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में। और इधर आप लोग फोटो को ऐड करना है, फोटो ऐड करने के लिए नीचे में प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से मीडिया पर चले जाना है, यहाँ से फोटो को ऐड कर लीजिएगा। फोटो ऐड करके ऊपर में डॉट पर क्लिक करना, फिल कंपोजिशन आड़ा करके और नेक्स्ट आप लोग बीट मार्क तक चला जाना, इधर से फोटो को कट कर लेना है। फिर से फोटो पर फिर से आप लोग को प्लस पर जाना, मीडिया पर क्लिक करना, फोटो ऐड करके फिर से कंपोजिशन आड़ा करके और यहाँ से बीट मार्क तक फोटो को कट कर लेना है। इसी टाइप से आप लोग एक एक करके सभी इमेज को ऐड कर लीजिएगा और सो जल्दी से मैं कर लेता हूँ गाइस। और अभी तक से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जो कि ये वाला वीडियो बहुत ही मेहनत लगा है गाइस बनाने में, तो प्लीज़ गाइस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर देना। तो सो गाइस यहाँ तक फोटो को आप लोग ऐड कर लेना, फिर से यहाँ प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना, यहाँ से फोटो ऐड करके ऊपर में टी डॉट पर क्लिक करना, कंपोजिशन आड़ा करके फुल फ्रेम में करके और बीट मार्क तक के हिसाब से आप लोग को फोटो को ऐड कर लीजिएगा। सो गाइस जल्दी से मैं कर लेता हूँ, तो गाइस यहाँ से मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो इधर आप लोग एक एक करके सभी इमेज को अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। सो गाइस एक और बात, आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो, जैसे कि जैसा वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो या आप लोग कुछ भी सवाल हो, तो आप लोग इस वाला वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी आके आप लोग मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और मेरा यूजर नेम है rikesh09। तो आप लोग जरूर से जो भी क्वेश्चन है आप लोग जरूर से पूछिएगा गाइस। तो सो गाइस यहाँ से आप लोग एक एक करके सभी इमेज को अच्छे से ऐड कर लीजिएगा और ऐड करके यहाँ से आप लोग को ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करना, कंपोजिशन आड़ा करके नेक्स्ट आप लोग इधर से बीट मार्क तक कट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा फोटो ऐड हो चुका है और इस सारे फोटो को आप लोग को इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना गाइस। और गाइस यहाँ स्टार्टिंग में आकर यहाँ से आप लोग सिंपल तरह से बैक हो जाना है, तो सो गाइस यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा अच्छा से फोटो एंड वीडियो एडिटिंग हो चुका है। फिर यहाँ से बैक आ जाने के बाद फिर से यहाँ से आप लोग को सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना, नीचे में आप लोग एक फोटो दिख जाएगा, इस फोटो पर क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, कॉपी कर लेना, करके यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना। यहाँ से आप लोग बस एक ही इफेक्ट मिलेगा और एक ही इफेक्ट सभी फोटो पर ऐड कर लेना है। इधर आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से फोटो आप लोग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोग को फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर आप लोग एक ही इफेक्ट को सभी फोटो पर ऐड करना है, जैसे कि देख सकते हो। फिर से आप लोग नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना और नीचे में थ्री डॉट पर क्लिक करना, यहाँ से पेस्ट कर देना। फिर आप लोग इस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर आप लोग इस फोटो पर भी क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, पेस्ट कर देना। तो आप लोग सेम करके एक एक फोटो पर इसी टाइप से ऐड कर लीजिएगा।
और सो गाइस आप लोग को ये वाला वीडियो एडिटिंग करके स्टेप अपलोड करते हो तो मेरे को जरूर से टैग कर देना, मेरा यूजर नेम rikesh09 और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं पहले भी आप लोग बता दिया हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पूरा फोटो पे इफेक्ट लग गया। फिर यहाँ से आप लोग बैक चले जाना, फिर से यहाँ से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना और इन चारों लेयर को आप लोग कॉपी कर लेना है, इस पर टैप करके रखना है और ऊपर में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी लेयर करके यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना है। फिर गाइस यहाँ से आप लोग को बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करना और इधर आप लोग को स्क्रॉल करना, जहाँ से आप लोग को फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आप लोग को आ जाना है और यहाँ पर आ जाने के बाद ऊपर प्लस पर क्लिक करना और यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कितना ऑसम तरीका से इफेक्ट एक लग गया है और इन चारों लेयर का आप लोग एंड तक फुल कर देना है, जहाँ तक आप लोग फोटो है वहाँ तक आप लोग को इन चारों लेयर को एंड कर देना है। यहाँ पर आ जाने के बाद इसका लेंथ को आप लोग 12 कर देना, यहाँ से आप लोग सेकेंड लेयर पर क्लिक करना, इसका भी आप लोग को लेयर को फुल कर देना फुल फोटो तक है, जहाँ तक आप लोग का फोटो है इसी टाइप से आप एक एक चारों लेयर को फुल कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है गाइस, और आप लोग प्लीज़ गाइस इस वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिए कि वीडियो कुछ वायरल हो जाए, क्योंकि गाइस मेरे चैनल पर अभी के करीब 500 के करीब वीडियो अपलोड है लेकिन कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा है गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए और हमको भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर में सेटिंग के बगल में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आप लोग वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा गाइस।